kinds of gift. There are two kinds of gift in Muslim law. First one is Hiba il Iwaz. Second one is Hiba ba Sarat ul Iwaz. Hiba il Iwaz ka matlab hota hai ki आपने किसी को कुछ दिया है उसके बदले में भी किसी ने आपको कुछ दिया है इस गिफ्ट में कंसीडरेशन होता है कि लाइक ए ने बी को कार दी है तो बी का कंसीडरेशन होगा उसके बदले में वो कुछ देगा उसको घर देगा या कुछ भी होगा तो इसको पढ़ लेते हैं अंडर मुस्लिम इस्लामिक लॉ हिबा मीन्स गिफ्ट एंड इवाज मीन्स कंसीडरेशन हिबा इल इवाज मीन्स अ गिफ्ट फॉर द कंसीडरेशन ऑलरेडी गिवन लाइक ए ने उसको कुछ दिया तो उसको कंसिडरेशन उस बी को देना ही पड़ेगा ऐसे टाइप के गिफ्ट्स को हिबा इल इवाज कहते हैं सेकेंड वन इज हिबा बा शर्त उल इवाज इसका मतलब होता है कि ए ने बी को कुछ दिया अब बी को ए को रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा पहले वाले में कंसिडरेशन वो कंसेंट के साथ करता है मन से करता है बट इस वाले में उसको देना ही पड़ता है चाहे उसका कंसेंट हो या ना हो बट उसको रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इट मीन्स अ गिफ्ट मेड विद अ फॉर रिटर्न इन दिस केस द कंसिडरेशन इज नॉट पेड बाय द डोनर बाय हिज ओन चॉइस बट इट इज पेड बिकॉज इट इज अ नेसेसरी कंडीशन हियर उसकी खुद की चॉइस से नहीं होता कंसिडरेशन बट उसको करना पड़ता है इधर में अगर ए चाहे तो अपना गिफ्ट रिवोक कर सकता है अगर बी उसको गिफ्ट देने में टाइम लगा रहा है तो ठीक है ना लाइक ए ने बी को कार्ड दी अब बी को उसको कुछ देना है बट थोड़ा सा टाइम हो गया बी उसको कुछ नहीं दे रहा तो वो ए अपना गिफ्ट रिवोक कर सकता है उसे वापस भी ले सकता है ठीक है अब रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट पहला है बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन दूसरा है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन का मतलब है कि ए को बी ए ने बी को प्रोमिस किया कि मैं तेरे को ये चीज दूंगा ठीक है लाइक ए ने बी को बोला मैं तेरे को घड़ी दूंगा अपनी बट उसको देने से पहले उसका मन बदल दिया उसने रिवोक कर दिया कि नहीं यार अब मैं नहीं दे रहा मेरा मन नहीं कर रहा तो उसको रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन कह सकते हैं बट जब आता है कि उसने उसको घड़ी दे दिया और बदले में भी बी ने उसको कुछ ना कुछ दे दिया है और अब उसको अपना गिफ्ट वापस चाहिए तो वो कैसे ले उसमें दो टाइप्स है एक तो है सिया के अंदर एक है सुन्नी के अंदर सुन्नी के सिया के अंदर ये है कि बाय डिक्लेरेशन कि वो बी को जाके बोल दे कि भाई मुझे मेरी घड़ी वापस कर दे चाहे बी की इसमें कंसेंट होना हो चाहे बी का इसमें अनुमति हो ना हो बट वो ले सकता है डिक्लेरेशन करके सिया के अंदर बट सुनने की बात आती है तो वो या तो बी से जाके कंसेंट कर सकता है उसको मना बना सकता है कि भाई दे दे ऐसे करके अगर वो उसे नहीं मानता है तो फिर वो इस चीज को कोर्ट में ले जा सकता है और फिर कोर्ट जो अपना वो देगा निर्णय उसके हिसाब से ही किया जाएगा